और अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार इसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि दो हिंदुस्तान कह करके ये राहुल गांधी जो है चीन और पाकिस्तान से मिल करके भारत को बांटने की एक बहुत बड़ी इसमें साजिश है। उत्तर प्रदेश के चुनावी सरगर्मी के बीच अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगतगुरु परमहंस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दिया है। जी हां, इस तहरीर में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, जगतगुरु परमहंस ने दोनों नेताओं पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया है। यह दंगा भड़काने की कोशिश है, यह राष्ट्र का अपमान है। कांग्रेस के नेता लगातार इस तरह का बयान देते हैं जिससे जो है तो देश में दंगा भड़के, राष्ट्र का अपमान हो। अभी जो है तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ परिवार जो है मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहता है। यह दिग्विजय सिंह का बयान संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या कराने के लिए एक समुदाय विशेष को जो है तो उकसाने का काम है। उसमें 2 फरवरी को संसद में दिए राहुल गांधी के बयान का जिक्र है। मालूम होगी लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे कहा था कि बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पर युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। अब इसी बयान को लेकर जगतगुरु परमहंस कांग्रेस नेता पर हमलावर है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार इसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि दो हिंदुस्तान कह करके ये राहुल गांधी जो है चीन और पाकिस्तान से मिल करके भारत को बांटने की एक बहुत बड़ी इसमें साजिश है। और जब तक राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं लगातार इसके लिए प्रयास करता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।